नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और आज आपका भाई आपके लिए लेकर के आया है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ई रिक्शा जिसे आप एक बार चार्ज करके चला सकते हैं इजीली 200 किलोमीटर तक। जी हाँ, इसमें आपको रेंज मिलती है 200 किलोमीटर की सिंगल चार्ज पर। और अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो मार्केट में जितने भी ई रिक्शा आते हैं इलेक्ट्रिक में, उनसे सभी से कम इसकी आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो आजकल ई रिक्शा चल रहा है प्याजो आपे सिटी, उससे भी आपको इसकी प्राइस कम देखने को मिलती है। और उसमें आपको रेंज मिलती है सिर्फ 100 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में, लेकिन इसमें 200 किलोमीटर की आपको मिलती है। तो आज हम करने वाले हैं इसका फुल डिटेल रिव्यू, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ इसके प्राइस पॉइंट रहने वाले हैं, क्या कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं, एक्चुअल में रेंज इसकी ऑन रोड आपको क्या मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप कोई भी रिक्शा प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं की से। कुछ इस तरीके की सिंपल चीज़ आपको इसमें की देखने के लिए मिलेगी। कोई भी सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर नहीं मिलती है, दो की आपको दी जाती हैं। फ्रंट में आपको बड़ा सा ग्लास मिलता है और यहाँ पर आपको सिंगल इसका वाइपर दिया जाता है। वॉशर यहाँ पर कोई भी नहीं है। नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट सेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। दोनों साइड आपको इसके इंडिकेटर्स का सेटअप मिलता है जो कि हेलोजन में दिया गया है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर हेडलैम्प्स आपको हेलोजन सेटअप में मिलेंगे। सेंटर में मिल जाती है बजाज आरई की। बैचिंग पूरा पार्ट यहाँ पर प्लास्टिक में दिया गया है, ब्लैक प्लास्टिक में। नीचे की तरफ फ्रंट मरगार्ड आपको बॉडी कलर्ड मिलता है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 120, 80 और 12 इंच का यहाँ पर रिम दिया गया है। बात करें फ्रंट के सस्पेंशन की, तो यहाँ पर सिंगल शॉक एब्जॉर्बर विद स्प्रिंग सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं फ्रंट में। और यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें आता है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में होना ही चाहिए। इससे बचत होती है बैटरी की और आपका व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। तो अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। ये कुछ रहने वाली है इसकी साइड प्रोफाइल। ऊपर की तरफ आपको सॉफ्ट टॉप इसमें मिलता है जो कि ब्लू कलर का दिया गया है। नीचे बॉडी कलर आपको वाइट में ही मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बाकी देखेंगे, दोनों साइड आपको लॉकेबल डोर्स दिए जाते हैं पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए। काफ़ी अच्छा इसे बनाया गया है, कोई भी हादसा नहीं होता है। और यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो कि लॉकेबल है। 3 घंटे में 0 से 80% चार्ज हो जाता है। बात करें रियर टायर सेक्शन की, तो 120/80 R12 इंच का यहाँ पर भी रिम दिया गया है। सेम टायर साइज़ रियर में भी यूज़ किए गए हैं। रियर प्रोफाइल में दिखा दूँ आपको तो कुछ इस तरीके की रहने वाली है। ईटेक 9.0 की बैचिंग आपको मिल जाती है। रियर टेल लैम्प्स आपको हेलोजन में मिलने वाले हैं। नंबर प्लेट का सेक्शन और यहाँ पर मिलता है आपको इसका ऑनबोर्ड चार्जर जो कि अंदर की तरफ ही बिल्ड है। एडवांस PMS मोटर यहाँ पर यूज़ की गई है। 2 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए। चलते हैं एक बार पैसेंजर के सेक्शन की तरफ और देख लेते हैं पीछे आपको लगेज के लिए क्या कुछ स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी शानदार आपको स्पेस मिल जाता है। 2 आप बड़े बैग इजीली कैरी कर सकते हैं। सॉफ्ट टॉप मिलती है और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो दोनों साइड गेट दिए गए हैं, ये सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पैसेंजर्स की। इस साइड देखेंगे ड्राइवर सीट के नीचे ही आपको इसका बैटरी पैक मिलता है। अंदर की तरफ देखेंगे लेग रूम में आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है और ब्रेक पैडल मिल जाता है। इतना कुछ आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा। ड्राइवर के साथ आप एक पैसेंजर भी आगे कैरी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं एक बार ऊपर की तरफ और देख लेते हैं हैंडल बार पर क्या कुछ कंट्रोल मिलते हैं। तो यहाँ पर वाइपर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच मिलता है। नीचे की तरफ हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। एक नीचे बटन मिलता है जिससे आप इसके डिजिटल मीटर में मेन्यू शो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसे प्रेस करेंगे, यहाँ देखेंगे तो ये आपको ट्रिप शो कर रहा है। दोबारा दबाते हैं, रेंज शो कर देता है। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और रेंज के लिए आपको ये स्विच मिलता है। बैटरी परसेंटेज भी दिखाता है और स्पीड आपको डिजिटल में मिलने वाली है। इस साइड सभी वार्निंग लाइट मिल जाती हैं, बजाज की बैचिंग। इस साइड देखेंगे ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल और मोड चेंज करने के लिए स्विच। नीचे इंडिकेटर के लिए स्विच और एक आपको स्विच मिलता है येलो कलर में हॉर्न के लिए। बढ़ते हैं एक बार नीचे की तरफ और नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हजार्ड के लिए एक स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और नीचे ही आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दिया गया है डिवाइस को चार्ज करने के लिए। की प्लेसमेंट इस साइड होगी। काफ़ी अच्छा इंटीरियर बनाया गया है, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट के हिसाब से देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस अच्छी इस्तेमाल की गई है। पीछे देखेंगे आप, 2 पैसेंजर्स बैठ चुके हैं मान सकते हैं आप, तो अट्टे कट्टे हैं उसके बावजूद भी देख सकते हैं बीच में काफ़ी स्पेस है। तो आप चाहें तो 3 पैसेंजर पीछे और 2 पैसेंजर आगे ईजिली कैरी कर सकते हैं। 5 पैसेंजर आप ईजिली कैरी कर सकते हैं और आप खुद भी इसे चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी पैक के बारे में। तो इसके अंदर आपको 8.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन फेरोफॉस्फेट बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो कि IP67 पैकेजिंग के साथ में आती है, यानी कि वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस रहने वाली है। बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो 45 किलोमीटर पर आवर की आपको इसमें टॉप स्पीड मिल जाती है। अगर आप इसे इको मोड में रन करते हैं तो 40 किलोमीटर की आपको इसकी स्पीड मिलती है और पावर मोड में आपको 45 किलोमीटर की मिलती है। बात करें ग्रेडेबिलिटी की, तो इसमें आपको 29% की मैक्स ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है और 20% की आपको इसमें कंटिन्यूअस ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है।
इस ऑटो के अंदर आपको एक सेफ्टी फीचर और देखने के लिए मिलता है जो कि है हिल होल्ड असिस्ट, जो कि अवॉइड करता है आपके फॉल बैक को। अगर आप स्लोप पे हैं तो ऑटो अपने आप पीछे नहीं आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर के बारे में। तो ये पावर प्रोड्यूस करता है 4.5 किलोवाट की कंटिन्यूस, और बात करें टॉर्क की तो 36 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। इसके बावजूद भी जो इसकी रेंज निकल कर आती है वो आपको ऑन रोड 200 किलोमीटर की रेंज मिलती है सिंगल चार्ज में। इसके अंदर ड्राइव शाफ्ट यूज़ किया है जो कि रिड्यूस करता है इसके मेंटेनेंस को और बढ़ाता है इसकी ड्यूरेबिलिटी को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।